नमस्कार। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट जिसके लिए 3 तारीख तक का समय दिया गया था बहुमत साबित करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के हटने के बाद उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे ने अब तय किया है कि वो 3 दिसंबर के बजाय शनिवार को यानी 30 नवंबर को 3 दिन पहले ही फ्लोर टेस्ट कर लेंगे। ये खबर बड़ी तेज़ी से फैल रही है, सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, लेकिन विशेष सत्र बुलाया गया है और उससे पहले एक और बड़ा फैसला हुआ है। जो प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे, कालिदास बीजेपी के विधायक थे, उनकी जगह सरकार के कहने पर एनसीपी के विधायक, जो 6 या 7 बार के विधायक हैं, दिलीप वलसे पाटिल, उनको प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया है। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस भड़क गए कि अचानक ये सब सीक्रेसी क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों प्रोटेम स्पीकर बदला गया, क्यों ये अचानक से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वो भी सीक्रेटली। देवेंद्र फडणवीस ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, उनको पहले ही खबर लग गई थी कि इस तरह का कुछ काम कर सकती है उद्धव सरकार। एंड बीजेपी हैज ऑलरेडी अनाउंस, जब बीजेपी पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। महाविकास अघाड़ी ने इतने सारे क्लेम किए हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास फुल मेजॉरिटी है, तो दैट टू एग्जीबिटिंग इन डिफरेंट वेज, वो अलग अलग तरीक़ों से दिखा भी रहे हैं। वो एग्जीबिशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परेड की थी होटल में, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि वाई दिस सीक्रेसी एंड फियर, कि जब इतने सारे प्रदर्शन आप विधायकों के कर रहे हैं तो ये सीक्रेसी क्यों है, ये खौफ क्यों है। और वो लिख रहे हैं, महाराष्ट्र वांट्स दीज आंसर्स, महाराष्ट्र इन सवालों के जवाब चाहता है। और ये द्वारा ट्वीट कर रहे हैं, दूसरे ट्वीट में लिख रहे हैं कि देन वाई आर दे सीक्रेटली कॉलिंग द हाउस, वो चुपचाप ये उन्होंने सोची, सुबह ये ट्वीट किया तब तक लोगों को नहीं पता था कि चुपचाप इस तरह से सदन चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, उनके बहुत लोग हैं सरकार में, सचिवालय में, उनको पहले से खबर लगी। वाई एफर्ट्स टू चेंज द प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर को बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है, जबकि अब तो बदल भी दिया गया है। गोइंग अगेंस्ट द रूल्स, रूल्स के खिलाफ जाकर, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर ऐसा इतिहास में कभी शायद नहीं हुआ होगा कि जो एक बार चुना गया उसको बदला गया हो। वाई स्टिल डाउट यू ओन MLA सो मच, तुमने अभी तक, ये कह रहे हैं कि अभी तक अपने MLAs पे इतना संदेह क्यों है, वाई आर दे स्टिल हाइडिंग देम, अभी तक उन्हें छुपा के क्यों रखा गया विधायकों को, वो होटल में है। ये उन्होंने 2 ट्वीट की, तीसरी ट्वीट उन्होंने कैबिनेट पे की कि कैसे कैबिनेट में किसानों की बात करने के बजाय उन्होंने डिस्कस किया कि मेजॉरिटी को सीक्रेटली कैसे प्रूव किया जाए, किसानों पर डिस्कस नहीं किया गया। वो सीधे सीधे ये बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है तो उसको इतना सीक्रेटली सेशन बुलाने की ज़रूरत क्या थी, और शनिवार को स्पेशल सेशन बुलाने का मतलब ये है कि प्रोटेम स्पीकर बदला गया और दूसरा जो विपक्ष का नेता होगा वो चुना जाएगा, उसके बाद सरकार अपना बहुमत सिद्ध करेगी, ये 3 दिन पहले करने की ज़रूरत क्या थी। लोग बता रहे हैं कि अजीत पवार का नाम चल रहा था डिप्टी CM के लिए, लेकिन उन्हें कहा गया कि फ्लोर टेस्ट के बाद होगा और फ्लोर टेस्ट जल्दी हो, ये उनका भी दबाव था, लेकिन सरकार 3 दिन तक नहीं चाहती कि उनके विधायकों को इस तरह से खुला छोड़ दिया जाए, बीजेपी फिर से कोई खेल ना कर दे। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि हमारे पास 162 विधायक तब थे, अब 170 हैं, 166 की हमने सूची राज्यपाल को दी है, राज्यपाल ने 3 दिसंबर का समय दिया है। ऐसे में अचानक से शनिवार को स्पेशल सेशन बुलाने की ज़रूरत क्या थी, जहाँ पर कि फ्लोर टेस्ट होना तय है और ये करीब 2 बजे होगा ऐसा बता रहे हैं हमारे सूत्र। देखते हैं क्या होता है, इस खबर पर हमारी नज़र है, बताते रहेंगे आपको सारी अपडेट। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनखबर। थैंक यू, नमस्कार। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।